वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। बीजेपी से बीएसपी नहीं बल्कि सपा संरक्षक श्री मुलायम सिंह खुलकर मिले हैं, जिन्होंने बीजेपी के पिछले हुए शपथ में श्री अखिलेश को बीजेपी से भी आशीर्वाद दिलवाया था और अब अपने काम के लिए एक सदस्य को बीजेपी में भेज दिया है, ये जग जाहिर है। नमस्कार, जनसत्ता देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आरुषि श्रीवास्तव। बीते रोज समाजवादी पार्टी की ओर से मायावती पर आरोप लगाए गए थे कि मायावती ने इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर टिकट वितरण किया है, ये बीजेपी और भाजपा दोनों की मिली भगत है। लेकिन अब मायावती मूड में आ गई है और ट्विटर को अपना हथियार बनाते हुए मायावती ताबड़तोड़ ट्वीट कर रही है। एक नहीं बल्कि दो दो ट्वीट के माध्यम से मायावती अपनी भड़ास निकाल रही है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी सहित अन्य दल के बहुजन समाज पार्टी की भारतीय जनता पार्टी से मिली भगत के आरोप में भाजपा की मुखिया मायावती ने आज चुप्पी तोड़ी है। मायावती ने न सिर्फ अपनी चुप्पी तोड़ी है बल्कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। इसके अलावा मायावती ने एक और ट्वीट भी किया है। ट्वीट में मायावती ने लिखा, यूपी में अम्बेडकरवादी लोग कभी भी सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव को माफ नहीं करेंगे, जिसने अपनी सरकार में इनके नाम से बनी योजनाओं व संस्थानों आदि के नाम अधिकांश बदल दिए हैं, जो अति निंदनीय व शर्मनाक भी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। भाजपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा से बसपा नहीं बल्कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव खुलकर मिले हुए हैं। उन्होंने साल 2017 में हुए शपथ ग्रहण समारोह में भी अखिलेश को आशीर्वाद दिलवाया था और अब अपने काम के लिए एक सदस्य को भाजपा में भेज दिया है। मायावती ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, यह जग जाहिर है। ऐसे अलग अलग ट्वीट पर दिए गए बयान के माध्यम से मायावती समाजवादी पार्टी को घेर रही है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में मायावती भले ही कुछ ज्यादा सक्रिय ना रही हो, लेकिन उनके इस तरह के अलग अलग बयान को अब लोकसभा चुनाव की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। लगता है मायावती अभी से ही कमबैक की पूरी तैयारी कर रही है। रोक पत्ता रोक की ये कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं और ऐसे ही तमाम स्टोरीज देखने के लिए आप बने रहें जनसत्ता.com के साथ।